तो एक बार मुझे बता दो, जो भी ऑनलाइन है आवाज क्लियर है? आवाज का इश्यू था यार, बंद हो गया था ये, आवाज बहुत जरूरी है ना। यस, आवाज क्लियर है? आवाज ठीक ठीक है, मैंने क्लियर कर तो दिया है, ऑन है आवाज अभी। चलो चलो, यस एक सेकंड, मैं कुछ लेना चाहता हूं। हाँ मैंने कर दिया भाई। यस हाँ भाई, सो मैं देखता रहूंगा यार, कभी कभी वॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ तो एक बार मुझे बता दीजिए भाई, वॉइस क्लियर है कि नहीं है अब? हेलो, अरे भाई बच्चों एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज क्लियर है क्या? चलिए चलिए, मुझे लग रहा है कि आवाज अब क्लियर ही होगी। ठीक है भाई, ठीक है यार, मैं कहाँ जुड़ गया था तो पता ही नहीं है क्या सिस्टम था, मैंने कहीं और ही जोड़ रखा उसको। चलो इसको मैं बाद में सही कर दूंगा, इसका नोटिफिकेशन वगैरह किसी और नाम से गया है तो इसका मतलब। बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई इसको एक्चुअली मैंने पहले पढ़ा दिया, लेकिन इसको मैं दोबारा रिविजन में करा के आ रहा था, अपडेट इस चैनल पर ये नहीं थी वीडियो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिया है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें बेटा, चलिए कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, जस्ट एक बार देख लीजिए प्लीज। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, मैं ये कह रहा था वोकैबुलरी को हम लगभग 5 से 6 टॉपिक है पूरी वोकैबुलरी में, 5 से 6 वोकैबुलरी में टॉपिक है, इससे हमें 5000 लगभग वर्डों को क्लियर करना है। वैसे अगर आप 5000 वर्ड प्लस कर ले तो लगभग आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो किसी एग्जाम में। अब कैसे कर सकते हैं 5000 वर्डों को, ये चीज आपको समझना है कि जी ये तमाम किताबों में दे रखे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, हम इनको याद कैसे करेंगे सर, ये चीज बताइए आप। ये मत बताओ कि टॉपिक क्या है, क्योंकि किताबों में बहुत बढ़िया दे रखा है, राइट समझना। तो बेटा इसके लिए मैंने बेस्ट मेथड्स बनाए हैं, कुछ आपके लिए सेट करके लाया हूं, और सबसे बेहतर करने की कोशिश है, यूट्यूब की हिस्ट्री में जिस तरह के वीडियोस पड़े हैं उस सबसे कुछ हटके कुछ बेस्ट करने का मन है। और उसके लिए मैंने कहा कि मेथड क्या है, मतलब तरीका कैसे है, तरीका क्या है इसको याद करने का, तरीका क्या है मतलब कैसे करेंगे, उस तरीके को समझने के लिए मैंने कहा कि बेटा सबसे पहला तरीका आपका रूट वर्ड्स। क्या तरीका है? रूट वर्ड्स। इससे मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आप रूट्स को याद कर लोगे मेरे साथ में तो लगभग 1000 वर्ड में आपके करा के छोड़ूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। पहले रूट वर्ड्स को करेंगे, रूट वर्ड्स के बाद निमेनिक्स करेंगे, निमेनिक्स से लगभग मैं आपके 2000 वर्डों को क्लियर करने वाला हूं। कितने? लगभग 2000 वर्ड क्लियर। फिर अपन लेंगे डायरेक्ट मेथड को, सेंटेंस मेथड से भी मैं 1000 वर्ड को कम से कम क्लियर करूंगा, और इमेजेस से पूरे के पूरे 1000 idiom and phrases मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो बेटा इस सीरीज में सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की है वो रूट वर्ड से की है, इसके 4 वीडियो मैंने बना दिए थे पहले, अब उनको क्रम से मैं इस चैनल पर बना रहा हूँ। स्टूडेंट बार बार ये कह रहे थे सर आप यहां मुझे क्रम से दो, हम ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है। हाँ जी सारे के सारे बनाऊंगा, बहुत बढ़िया लगेंगे आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। यस बहुत बढ़िया लगेंगे, और वो डेली क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, पहली क्लास है आज, मेरे को पता है कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है, जैसे अभी आवाज का हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजों पर बहुत जल्दी काम करूंगा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ठीक है, नो बकवास, सीधी पढ़ाई करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कल की वीडियो में डबल एनर्जी आपके लिए दे सकूं। शुक्रिया दोस्तों। चलिए सो मैं ये कह रहा था, अगर हम रूट वर्ड्स को पढ़ते हैं तो रूट वर्ड्स का क्या तरीका होता है कि साहब एक वर्ड होता है कोई, उससे आगे हम क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स, उपसर्ग कहते हैं इसको, उपसर्ग।
एक तो सर्व होता है और दूसरा प्रत्यय होता है बेटा। दूसरा क्या होता है? प्रत्यय। ये दोनों जुड़ जाते हैं किसी मूल शब्द में, और बीच में क्या होता है बेटा? एक मूल शब्द होता है। आप ऐसे समझिएगा, अगर आपको पता हो जाए कि किसी प्री का या किसी प्रत्यय का, मतलब प्रीफिक्स का या सफिक्स का क्या मतलब होता है, तो आप आराम से उसका मीनिंग समझ सकते हो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मान के चलो मैंने एक वर्ड ले लिया स्टॉप। कौन सा वर्ड ले लिया? स्टॉप। और इसके सामने मैंने अन लगा दिया और इसके साथ लगा दिया मैंने एबीएलई पीछे। तो जिस स्टूडेंट को पता है कि अन उल्टा अर्थ दे देता है, और अन माने उल्टा, जी यस। और दूसरा जो एबल शब्द देता है, जो एबल वर्ड होता है, वो भी चीज आपको समझ के चलनी है। जो एबल वर्ड होता है वो होता है योग्य। कौन सा वर्ड होता है बेटा? योग्य। तो रोकने योग्य स्टॉपेबल, और जिसे ना रोका जा सके, जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ हो गया ना, और इसका योग्य वर्ड हो जाता है, और इसका मतलब रोकना। तो जिस स्टूडेंट ने सफिक्स प्रीफिक्स की स्टडी की हुई है, आप एक और चीज याद रखना, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को मिलाकर जो कहते हैं वो कहते हैं अफिक्स। तो इससे वर्ड क्या बना? अन। कौन सा वर्ड बना? अनस्टॉपेबल। कौन सा वर्ड बना बेटा? अनस्टॉपेबल। अब मैं आपसे देखता हूं, आपने सफिक्स और प्रीफिक्स को मिला दिया, इसको किताबों में अगर टॉपिक देखेंगे तो एक ही टॉपिक आता है, विच इज कॉल्ड अफिक्स। कौन सा टॉपिक है बेटा? अफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स को मिलाकर एक ही टॉपिक जो नाम देते हैं वो कहते हैं अफिक्स। और याद रखना, अब क्या हुआ, जैसे ही ये तीन शब्द मिले, मिलने से क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो गई दोस्तों। आपने देखा डबल पी हो गई है, क्या हो गया? डबल पी। इसको हम मीनिंग जो चेंज हो जाता है, सॉरी जो स्पेलिंग चेंज होता है किसी शब्दों के मिलने से, राइट, जो स्पेलिंग चेंज हो रहा है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनफिक्स। तो रूट वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको चार शब्दों की स्टडी है, पढ़ने के लिए चार चीजें अगर आप जानते हो, मैं स्टार्ट कर देता हूं रूट वर्ड को पढ़ाना। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है प्रीफिक्स माने जो पहले जोड़ते हैं, राइट, सफिक्स मतलब जो बाद में जोड़ते हैं, क्लियर है? रूट वर्ड जो जिसकी वजह से वो शब्द बना है, स्टॉप इसका रूट वर्ड है। जिस स्टूडेंट को स्टॉप का मीनिंग पता वो अर्थ निकाल ही लेगा इसका। दोनों को मिलाकर इस टॉपिक का नाम क्या होता है? प्रीफिक्स सफिक्स का अफिक्स। और स्पेलिंग चेंज की वजह से जो आता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनफिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है? ये चीज बिल्कुल क्लियर रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक तरफ हो जाता हूं, ये को एक बार ध्यान से देखिएगा, राइट। यस, तो तीनों चीजों को आपको समझना है। तो बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, जो बेसिक यूनिट होती है, इसको अपन कहते हैं हम इंग्लिश में बेसिक यूनिट। बेसिक मतलब वो यूनिट जिसके आधार पर वो शब्द बना है। अब इस आधार पर मैंने कहा आपसे, अगर आप ऐसे ही इसको ढंग से पढ़ लिए तो इस रूट वर्ड से लगभग आपके 1000 शब्द को मैं क्लियर करूंगा, और 2000 हो जाए तो क्लियर है, 1000 तो ये समझ लो चुटकियों में हो जाएंगे। हर रूट वर्ड के 50 लगभग शब्द बनते हैं, राइट, 20 से 25 अगर आप एक्सरसाइज कर जाए तो इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये आए और आपको इसके बारे में मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि रूट्स को भी थोड़ा सा ट्रिकी रखना है, समझना। रूट्स में क्या होता है? ग्रीक और लैटिन। एक्चुअली जो ग्रीक, हम जो रूट्स यूज करते हैं यहाँ पे, जो प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं, वो सभी हमारे लैंग्वेज ग्रीक या पुरानी भाषा है लैटिन। ये दो प्राचीन भाषाओं में से आया है। इन प्राचीन भाषाओं में क्या होता था, चीजों को कुछ और कहते थे। जैसे अभी हम भाई को ब्रदर कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं ग्रीक और लैंग्वेज में जाऊंगा तो फ्रेंड बोलते। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है कि ग्रीक और लैटिन में उस शब्द का मीनिंग क्या है, समझना। अच्छा, एक चीज और समझना, अगर आपने इन चीजों को ऐसे याद कर लिया तो एक शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ऑटोमेटिकली हजारों में फैल जाएंगे। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम, आगे बढ़ूंगा। आप सबसे पहले यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से आपको लेके चल रहा हूं, सबसे पहले आप यहां से लेके चलेंगे। आज का मेरा पहला जो रूट है वो है फिल, फिलो, फिलिक, फिलिया। ये तमाम वर्ड है, और इन तमाम वर्ड से, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है बेटा। आगे चलता हूं, फिलो आ जाए, फिलिया, फाइल आ जाए या फिलिया आ जाए, इन तमाम वर्डों से दूसरे वर्ड बनते रहते हैं, लेकिन उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज होती रहती है। कहीं वो नाउन होता है, कहीं वो एडजेक्टिव हो जाता है,
नाउन एडजेक्टिव होता है, वर्ब कम बनते हैं इससे, हालांकि वर्ब भी बन सकते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यहां मैं एक एक करके चलूंगा। सबसे पहले अगर आपको फाइव फिलोफिलिया किसी वर्ड में आ जाता है तो उसका मतलब होता है प्रेम। यस, किसी चीज से आप उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हो, आपका उससे लगाव है, आप उसमें रुचि रखते हो, ये तमाम शब्द आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से लगाव है, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति जो किताबों को पसंद करता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स इसमें बनते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जब बनते हैं तो इसका बेटा रूट भी समझना है। जैसे सबसे पहले मैं आपके लिए एक वर्ड लेके आया हूँ, फिलोसॉफी। कौन सा वर्ड है बेटा? फिलोसॉफी। इस वर्ड को आप देखिए, एक तो वर्ड इसके अंदर आ रहा है फिलो, देखो यहां तक तो फिलो हो गया, और दूसरा वर्ड आता है बेटा इसमें सोफी, जो सोफी का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, ये इसका मेन वर्ड है, और फिलो इसके साथ में जुड़ रहा है, कहां बेटा? आगे, आगे जुड़ रहा है, तो इस फिलो को हम इंग्लिश में आगे जुड़ने वालों को क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स। यस, ये प्रीफिक्स इसका याद रखना है, प्रीफिक्स याद आपको रखना है। इस प्रीफिक्स में ये कैसे काम कर रहा है ये आपको याद रखना है। जी हाँ, इसका प्रीफिक्स क्या है वो आपको याद रखना है, प्रीफिक्स है इसका फिलो। अच्छा, ये सफिक्स भी बनेगा अभी, जैसे बिब्लियोफिलिक बनेगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, अब बने रहिएगा, देखते चलें। तो यहां से आपको समझ के चलना है ये कि सबसे पहला आता है कि फिलोसॉफी, तो फिलो का मतलब हो गया प्रेम, सॉफी का मतलब बुद्धि, तो यहां पर मतलब हो गया फिलोसॉफी क्या है कि साहब एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है? दर्शन शास्त्र, इंग्लिश में फिलोसॉफी कहते हैं। इसको पढ़ने वाले को बोलते हैं फिलोसोफर, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? फिलोसोफर। याद रखना है, लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम या फिर नॉलेज, किसी व्यक्ति को अगर नॉलेज से या बुद्धि से प्रेम है उसे बोलते हैं फिलोसॉफी। क्या बोलते हैं बेटा? फिलोसॉफी। यस, तो याद रखना है फिलोसॉफी क्या होता है, अ स्टडी ऑफ नेचुरल ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया के यूनिवर्स का जो नेचर है उसके अध्ययन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसॉफी। यस, जिस तो फिलोसॉफी यहां पर जो याद रखना है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि बेटा बुद्धि से या नॉलेज से प्रेम इंग्लिश में कहलाता है फिलोसॉफी, ये चीज आपको समझ के चलनी है। अगला वर्ड आता है मेरे पास यहाँ पे फिलोहेलेंस, फिलहेलेंस, तो बेटा फिल का मतलब हो गया प्रेम, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेट कर लो दिमाग में, इसका मतलब हो गया प्रेम, लहना, और किससे इसका मतलब हो गया प्रेम। दूसरा मतलब आता है इसका हेलेंस, हेलेंस जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है ग्रीक कल्चर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राचीन कल्चरों से बड़ा प्रेम रखते हैं, कईयों को मिस्र का कल्चर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन तमाम चीजों को कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे खाना पीना था, कैसे पहनावा था, ये सब कल्चर में आता है, तो ग्रीक कल्चर से जो लगाव रखते हैं उसे कहते हैं फिलहेलेंस। तो हेल का मतलब याद रखना नर्क होता है, और बेटा नरक की कल्पना शुरुआत में किसने दी थी? ग्रीक वासियों ने। एक्चुअली नरक की कल्पना किसने दी थी यूरोप में? ग्रीक वासियों से। तो याद रखना फिलहेलेंस का मतलब हो गया कि एक्चुअली अ लवर ऑफ ग्रीक कल्चर। यस डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ता हूं, तो दो वर्ड मैंने क्लियर कराए, एक बार रिविजन बोर्ड पर चलेंगे, प्रत्येक पेज को बदलने से पहले मैं आपको एक बार रिविजन जरूर करा दूंगा, राइट, ये चीज आपको याद रखनी है, प्रत्येक पेज को बदलने से पहले, वो जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ये चीज समझनी है। तो यहाँ दो वर्ड हमने पढ़े हैं, फिलोसॉफी और फिलहेलेंस, तो फिल माने प्रेम और सोफी माने बुद्धि और हेलेंस माने ग्रीक कल्चर, है ना, ये समझना है। अगला पॉइंट पे मैं चलता हूं, इसके बाद जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, दूसरे के बाद तीसरा वर्ड मैं यहाँ आपको लेके आ रहा हूँ, चलिए समझना। फिलोलॉजी, जब भी इंग्लिश में लॉजी आ जाए तो अर्थ होता है बेटा स्टडी, पढ़ाई, है ना, बायोलॉजी जूलॉजी ऐसे पढ़ते हैं ना, पढ़ाई किसकी? प्रेम की पढ़ाई। ऐसे लगता होगा आपको कि प्रेम की पढ़ाई, ऐसे नहीं है, इसका पढ़ाई है मतलब क्या? स्टडी ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। यस, किसी भाषा के विकास का अध्ययन, भाषा के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है इंग्लिश में? फिलोलॉजी, मतलब किसी भाषा कैसे बनी है, संस्कृत भाषा कैसे बनी है, शुरुआत कहां से हुई थी, इंग्लिश भाषा कैसे बनी है, शुरुआत कहां से हुई है, उसे याद रखना फिलोलॉजी। आपको याद रखना फाइलोलॉजी कह सकते हैं इसको, सो फाइलोलॉजी का मतलब, तो आप इसको याद रखो, फाइलो आ रहा है इसमें, तो बेटा फाइलों में ही तो भाषा कैद हो रखी है, पुराने जमाने में मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे, हाथ से लिखी हुई किताबें, तो फाइल बनी हुई है, उनका भाषा से अध्ययन। कई बार पेपर में आ जाता है वर्डों का अध्ययन, हालांकि वर्डों के अध्ययन को हम इंग्लिश में लोगो फाइल कहेंगे, आगे बताऊंगा उसको भी, अगला चलते हैं। फिलोजिनी, देखो बेटा एक तो फिलो है और एक वर्ड इसमें आया है जी वाई एन ई, इसका मतलब होता है हमेशा महिला, तो महिलाओं
से प्रेम, ये मतलब तो प्रेम ले जाता है। तो महिलाओं से प्रेम का क्या मतलब है, है? कि सब महिलाओं से प्रेम मतलब उनका लगाव रखने वाला, उनका रिस्पेक्ट करने वाला, महिलाओं के लिए जो लोग रिस्पेक्ट रखते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिलोजेनी। क्या कहेंगे? फिलोजेनी। इसी में मैं फिलोजेनिस्ट भी कह सकता हूं इसको, इसको जरूरी नहीं है, पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है, फिलो जी वाई एन आई एस टी, फिलोजेनिस्ट भी हो सकता है। तो क्या समझना, इसके पीछे आई एस टी भी लग जाए तो भी वो व्यक्ति हो जाता है अ लवर ऑफ विमेन, मतलब महिलाओं का हितैषी, कल्याण करने के लिए सोचने वाला व्यक्ति फिलोजेनिस्ट कहलाता है। ये चीज आपको याद रख के चलनी है, ठीक है? आगे बढ़ता हूं इसके बाद। सो लवर ऑफ विमेन, और ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी, तो देखिए दोस्तों, इससे आगे मैं पहले बढ़ूं, मैं आपको चार रूट वर्ड दे देता हूं, इनको याद रखना लाइफ में, क्योंकि आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये बार बार मेरे पास यहां भी आएंगे और आप कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे ये आएंगे आएंगे, ठीक है? चार वर्ड कौन कौन से हैं जो सबसे पहले भी पढ़े जाने चाहिए? कि बेटा मैंने कहा आपको जी वाई एन ई जो होता है गायन, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है बेटा महिला। जी हाँ, इसको क्या बोलना है? महिला। एंड्रोज, एंड्रोज का जो मतलब होगा वो होगा पुरुष, राइट? ये ग्रीक वर्ड है बेटा, इनको याद रखिएगा, एंड्रोज है ना, महिला हो गया, पुरुष हो गया। अब इनके बच्चे को कहेंगे अपन पैडो, राइट? कभी भी आ गया तो इसका अर्थ होगा बच्चा या बच्चे, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक और वर्ड आएगा, मानव कहेंगे उसे एंथ्रोप। यस, ये एंथ्रोप माने मानव होगा, मानव मतलब महिला पुरुष बच्चे सभी। तो एक्चुअली चार शब्दों को आपको याद रखना है, ये चार शब्द बिल्कुल लिख लेना, बार बार पेपर में आते रहते हैं, इनसे इंग्लिश में मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा शब्द बने होंगे, 100+ वर्ड बने होंगे, ये बार बार किसी शब्द के टुकड़ों में आते रहते हैं बेटा, सीधे सीधे तो ये आएंगे नहीं, ये किसी के साथ मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो बड़ा अजीब अजीब अर्थ देते, इसलिए मैं सबसे चाहता हूं कि आप ये चीज इनको पहले से याद रखें। गायन माने महिला होगा, एंड्रोज माने पुरुष होगा, पैडियो माने बच्चे होंगे, और एंथ्रोप माने मानव होगा। अब इंपॉर्टेंट समझना, गायन को याद रखो डायन से बेटा, डायन है तो महिला है ना बेटा, ऐसा नहीं कहते लेकिन लोग समझते हैं, राइट? हाँ, ऐसा नहीं कहते लेकिन लोग समझते हैं, गायन है तो डायन है, डायन मतलब महिला। अगला वर्ड आता है एंड्रोज, एंड माने और, रोज माने डेली, है ना? हाँ, और डेली रोज, गुलाब है ना, कौन देता है बेटा? हाँ, आपने देखा फिल्मों में गुलाब कौन देता है? लड़के देते हैं बेटा, है ना? हाँ, पुरुष देते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, कौन देते हैं? लड़के देते हैं, ये चीज आपको याद रख के चलनी है भाई, राइट? यस यस, तो एंड्रोज याद रखना है आपको, यस, और एंड्रोज आपको याद रखना है। दूसरा वर्ड आपको जो याद रखना है वो आता है बेटा, एंड्रोज याद हो गया, क्या रोज गुलाब कौन देता है बेटा? पुरुष देता है, आपको देखा है फिल्मों में, देखा है गुलाब, हाँ महिलाएं देती हैं, ऐसी बात नहीं महिलाएं नहीं देती, लेकिन फिर भी कम देती हैं बेटा, है ना, ये याद रखना है। हाँ, अच्छा, अगला वर्ड आता है मेरे पास पैडो। पैडो का मतलब क्या होता है? बच्चे। जी हाँ, बच्चा, याद रखना, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से कहते रहते हैं बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, इसको याद कर लो, उसको कहते हैं इंग्लिश में पैडियो, पैडियो पैडियो पैडियो, पढ़ियो बेटा, घर पर मत बैठियो, पढ़ियो, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले, सो पैडियो मतलब बच्चे, पैडियो मतलब बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड आता है इसके साथ, इसके साथ ही एंथ्रोप, थ्रो आ रहा है इसमें, टी एच आर ओ, थ्रो 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 माने फेंक देना। आपने देखा है कि साउथ की पिक्चरों में महामानव जैसे होता है, एक एक आदमी 100-100 आदमियों को फेंक देता है, सी मानव जाति को कहते हैं अपन एंथ्रोप, मानव जाति को क्या कहते हैं? एंथ्रोप। मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का विकास, मानव जाति से नफरत, मानव जाति से प्रेम, ये तमाम वर्ड इससे बनते हैं दोस्तों, जितना आप अच्छे से याद कर लोगे उतने आपको वर्ड याद करना है। ऊपर मैंने कह दिया इससे 100+ वर्ड्स तैयार हो जाते हैं, 100 से अधिक शब्द इससे तैयार होते हैं, तो ये चीज याद रखना है, ये 100 से अधिक चीज इससे याद होते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, भाई जो नमस्कार कर रहे हैं लेट से आए हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, रोजाना सुबह 8 बजे क्लास आएगी मेरी लगातार 3 दिन, आज कल परसों, इस तरह से, ठीक है? दूसरा, सोमवार मंगल बुध 3 दिन मेरी इसी दिन इसी समय आएगी, बृहस्पति शुक्र शनि में आऊंगा ब्रज अकेडमी पे, है ना? तो यहाँ पर इस तरह से चलेंगे, सीरीज लेके चलेंगे रूट वर्ड का, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, पहले मैं 1000 वर्ड आपके रूट वर्ड के क्लियर करूंगा विद एक्सरसाइज। विद एक्सरसाइज किसी टीचर ने नहीं किया बेटा, यूट्यूब पर आप जाके देख लीजिए, और किए हैं तो मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं देखता हूँ कैसे उन्होंने किए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं कर रखे हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और टीचरों से बेस्ट करने का, बस आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलो, सो फाइलों में क्या है बेटा? भाषाओं का विकास रखा हुआ है, तो फाइलोलॉजी। अगला वर्ड आता है बेटा फाइलोजिनी। फाइलोजिनी, जिनी माने महिला, जो महिलाओं से लगाव रखता है बेटा ना, इसको यहाँ पर गायन कह देते हैं, यहाँ जब वर्ड मिल जाता है तो ये जिनी कहलाता है।
तो फाइलोजिन। अगला वर्ड आता है मेरे पास फिलैंथ्रोपी। तो बेटा देखिए इसके अंदर एंथ्रोप आ रहा है, एंथ्रोप आ रहा है, फिल माने प्रेम, एंथ्रोप माने मानव, ऐसा आदमी जो मानव मानव जाति से मानव जाति से प्रेम करता है, दान दया करता है, दूसरों की मदद करता है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति। तो ऐसा आदमी किसके अर्थ में सिनोनिम्स किसके बनते हैं, इसके परोपकारी का, जैसे जो भलाई के लिए काम करता है मानव जाति के, उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसा व्यक्ति फिलैंथ्रोपी कहलाता है। या फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, इन सभी वर्डों में क्या लग सकता है, आईएसटी, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसा आदमी जो है ना। हाँ, और एक चीज और समझ लेना मेरे साथ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है वो भी, कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाए तो बेटा वो पर्सन बन जाएगा, व्यक्ति। लेकिन आईएसएम लग गया किसी शब्द के लास्ट में तो बेटा वो विचार बन जाएगा, आइडिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, आइडिया। ये चीज आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। ये दो चीजें भी बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार ये पेपरों में क्या शब्दों में आएंगी, रूट वर्ड में, कहीं भी पढ़ रहे हैं यार, हर तीसरे वर्ड के पीछे लगा रहता है, ये समझ के चलना है। तो आपको याद रखना आईएसटी आ रहा है तो मतलब पर्सन, लवर, एक कोई व्यक्ति जिसका मानव जाति के प्रेमी, मानव जाति प्रेमी, अतिशी दूसरों का भला करने वाला। चलिए मैं आगे चलता हूँ, पांच वर्ड यहाँ पर हो गए, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है बेटा, लेकिन बनती है स्पीड, क्योंकि मैं एक लेक्चर में बहुत कुछ देने वाला हूँ, है ना बेटा, यहाँ टाइम पास नहीं होगा, जैसे कि करा दिया। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, ब्रज अकेडमी पे भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तभी तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, क्योंकि दोनों पे ही मैटर मेरा आएगा, मैंने आपसे बोल दिया था। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं इसके साथ, और आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल पढ़ सकता है। फ्लैटली अगला वर्ड आता है, फ्लैटली, तो याद रखना इसमें फिल और लेटली एक वर्ड आता है। एटली जो वर्ड है ना, एटली जो वर्ड है उसका मतलब रहता है पोस्टेज स्टाम्प से, किससे मतलब है, पोस्टेज स्टाम्प, हिंदी में डाक टिकट, डाक टिकट, ठीक है। तो पोस्टेज स्टाम्प का मतलब क्या होगा, डाक टिकट से, और फेल माने प्रेम, मोस्ट लगा लेना, पेपर में दो शब्द बहुत बार मोस्ट आते हैं, दो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो सिक्कों का अध्ययन करने वाला या सिक्कों से प्रेम रखने वाला, उसको निमस्मेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, मैं कराऊंगा उसको भी कहीं, है ना। और यहाँ पर आता है डाक टिकटों से प्रेम रखने वाला। आपने देखा हो कई लोगों की हॉबीज होती है कि वो डाक टिकट इकट्ठे करते रहते हैं, जैसे नोट इकट्ठे करते रहते हैं, ठीक है जी। हाँ, अगला वर्ड आता है मेरे पास फिलो मैथ। फिल माने प्रेम और मैथ का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, ऐसा व्यक्ति जिसको सीखने से प्रेम है। तो बेटा मैथ में तो सीखना पड़ता है, रट नहीं सकते, ऐसे याद रखो, मैथ में सीखना पड़ता है। तो जिस आदमी को सीखने से मतलब है, दैट एंजॉयज स्टडिंग, जो पढ़ाई लिखाई को एंजॉय करता है, मजा आ गया जी पढ़ के, ऐसा ऐसा इंग्लिश में कहलाता है फिलो मैथ। क्या कहलाता है बच्चा, फिलो मैथ। और अगला वर्ड आता है मेरे पास फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स का मतलब क्या बेटा, डॉक्स का मतलब यहाँ ऑर्थोडॉक्स से, ऑर्थोडॉक्स का मतलब बेटा, डॉक्स का मतलब आइडिया होता है, आइडिया, विचार किस आदमी के कैसे हैं, है ना, मत कैसा है, उसके उसकी सोच कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है उसकी। आपको याद रखना है कि फिलो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है, और डॉगमेटिक भी बोलते हैं इसको, इन दोनों अर्थ का मतलब होता है रूढ़िवादी। इसका मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी, रूढ़ी मतलब जो पुराने ख्यालातों के, जो किसी और की बात नहीं सुनते, वही अपने तरीके से चले आ रहे हैं, याद रखना है। यहाँ फिलोडॉक्स, डॉक्स माने हो गया बेटा यहाँ पर मत कह लो या विचार कह लो बेटा, है ना, और अपने ही विचारों का, ऑन लग रहा है, ऑन माने स्वयं के विचारों से ही प्रेम रखने वाला, मतलब दूसरे की कोई बात नहीं सुनेगा, अपनी बात को ही वो सेव रखेगा और हमेशा कहेगा नहीं ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है, उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिलोडॉक्स, कैसे बोलेंगे, फिलोडॉक्स। अगला वर्ड आता है फिलो म्यूज। म्यूज का मतलब होता है बेटा लिटरेचर या पोइट्री से। मैं जैसा कि आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, म्यूज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था म्यूज जो होती है वो काव्य की देवी को बोलते हैं बेटा, जैसे हमारे हिंदी में माँ सरस्वती होती है, जब भी कोई राइटर लिखने की किताब लिखता है तो सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान रखता है, ऐसी अंग्रेजों की जो किताबें हैं, जैसे मिल्टन ने अपनी किताब लिखी थी उसमें सबसे पहले म्यूज को, पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन है, बहुत बड़े लेखक है, जिन्होंने बुक लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, उसका पहला जो लाइन है हेल यू माई म्यूज, तो वो कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ काव्य की देवी म्यूज, मुझे ऐसा वरदान देना कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं जो सदियों तक पढ़ा जाए, और ऐसा ही हुआ और पैराडाइज लॉस्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। याद रखना है फिलो म्यूज का जो मीनिंग होता है वो होता है पोएट्री, काव्य या लिटरेचर, साहित्य का प्रेमी, काव्य या साहित्य का प्रेमी। बेटा मुझे हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल इतना देता हूं,
या यो माई म्यूज, आपको याद रखना है, मैंने आप बच्चों को रटाया भी था। यो माई म्यूज क्या है? एक जस्टिन बीबर का गाना है, उसकी बीच की लाइन है यो माई म्यूज। ठीक है, खैर मैं गा के फिर बाद में सुनाऊंगा, अभी मेरे को टाइम कम है और चीजें ज्यादा है, आगे चलता हूँ। फिल हार्मोनिक, तो बेटा आप म्यूज से म्यूजिक पर मत ले जाना, राइट। कई टीचर भी म्यूजिक पढ़ा जाते हैं, म्यूजिक नहीं है, हार्मोनिक है, तो हारमोनियम से याद रखना है। तो म्यूजिक लवर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको म्यूजिक बहुत पसंद है, हमेशा लीड लगा के यो यो करता रहता है, उसको याद रखना, फिर हारमोनिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फिर हारमोनिक। एक तो म्यूजिक ही ऐसा आ रहा है, समझ में नहीं लगता साला गाली मार रहा है या फिर अपना दुखड़ा रो रहा है ना। आजकल तो गाने ही ऐसे आ गए, तो याद रखना है फिर हारमोनिक का जो अर्थ रहता है लिविंग म्यूजिक, ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूजिक बहुत पसंद है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स जी। इसके बाद अगला मेरे पास एक वर्ड है, इस वर्ड का नाम है फिलेंड्रर। तो फिलेंड्रर का मतलब एक ही बार में समझ लो, फिलेंड्रर का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप है। हाँ जी, कई कई प्यार मोहब्बत के किस्से चल रहे हर गली में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको हिंदी में बोलते इश्कबाज, समझना इश्कबाज, समझ लीजिए, जिसके हर बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा आदमी, उसको इंग्लिश में विमेनाइजर भी बोलते हैं। विमेनाइजर मतलब महिलाओं से बहुत टच में है, बहुत सारी महिलाओं के साथ जिसके रिलेशंस हैं, इसको कैसेनोवा भी बोलते हैं बेटा, कैसेनोवा। तो कैसेनोवा तो याद रखना है, कैसेनोवा भी ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, फ्लैंडर, विमेनाइजर, कैसेनोवा, एक दूसरे के सभी क्या है बेटा, ये एक दूसरे के सभी कैसे हैं सुनने में है। हालांकि मैं प्रैक्टिस में अलग से करूंगा, लेकिन एक आध वर्ड बीच बीच में बताता चलूंगा, वो सही रहता है, दिमाग में सेट हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, यस। तो ये चीज आपको याद रख के चलनी है, फ्लैंडर का मतलब होगा वन हु हैज मल्टीपल रिलेशनशिप। जी हाँ, कई जिसके प्यार मोहब्बत के किस्से हैं। हाँ, जैसे मैं प्यार मोहब्बत पे आया, बरसात हो गई जी, हंसी मजाक की हमारे कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ आप परेशान हैं, सभी दर्द गहरा है। हाँ यस 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 यस, कई लोग तो आह कर रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ, कई लोग कह रहे हैं जी, सही है, याद रखना बेटा दर्द गहरा है, हैं? यस 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 यस, आपको याद रखना है, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता। कुछ बच्चे हैं, इनकी इनकी कमेंट्स देख के मुझे कुछ याद आ रहा है कि क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द गहरा है लेकिन सहा नहीं जाता। दोस्तों बात तो सालत तुम्हारी भी कुछ ऐसी लग रही है मुझे। आगे बढ़ रहा हूँ, विमेनाइजर हो, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद आता है फिलोथिज्म। तो बेटा ये जो वर्ड है ये बना है थियोस से, तो थियोस का अर्थ होता है गॉड। जी हाँ, थियोस का अर्थ क्या रहता है? गॉड। तो ऐसा आदमी जिसको प्रेम है ईश्वर से, देवी देवताओं से बहुत प्रेम करता है, ऐसा आदमी जो भगवान का बड़ा भक्त है, उसको अपन थियो। हाँ नहीं, भक्त के लिए तो प्रॉपर वर्ड डेप्टी होता है, वो अलग है, लेकिन यहाँ रूट में ये फिक्स होता है, याद रखना। हाँ यस सर, ये करा तो दिया। रघुराज कह रहे हैं सर ये करा तो दिया, बेटा इस चैनल पर नहीं हुआ था ना ये, तो ये कराना बहुत जरूरी है। और मैं नए वर्ड लेके आया हूँ, दो मिनट रुक जा रहा, इसमें बहुत सारे नए वर्ड है दोस्त, आगे चलते हैं। सो लव ऑफ गॉड्स याद रखना है। अगला आता है फिलोडेल्फी। तो बेटा ये डेल्फिया से बना है, ये जो बना है वो बना है डेल्फिया। तो डेल्फिया का जो मीनिंग है, डेल्फिया क्या होता है, जो भाईचारे के साथ प्रेम रखता है आदमी अपने पड़ोसियों से, अपने शहर के लोगों से, अपने देश के लोगों से, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलोडेल्फिया। उसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? फिलोडेल्फिया। ये चीज आपको याद रखनी है, उसे इंग्लिश में बोल देते हैं फिलोडेल्फिया। यस यस। अगला पॉइंट, सो डेल्फी जो वर्ड है, डेल्फिया एक अपने आप में शहर का भी नाम है यूएसए में, अगर आप गूगल करोगे मिल जाएगा। सो ब्रदरली लव फॉर एवरीबडी, हर आदमी से वो भाईचारे के साथ जो रहता है उसे फिलोडेल्फिया बोलते हैं। अगला वर्ड आता है फिलोजिनी, अरे गेमी। तो बेटा एक वर्ड देखिए, इसमें वर्ड आ रहा है जी ए एम बाई गेमी। गेमी का मतलब जो रहता है, गेमी का जो अर्थ रहता है वो रहता है बेटा शादी। तो बेटा जिसको शादी से बड़ा प्यार है, जी हाँ, लवर ऑफ मैरिज। जी हाँ, सोच रहा बस हो जाए शादी, अब नहीं रहा जा रहा है ना, ऐसा आदमी जो शादी के लिए मरा जा रहा है उसे बोलेंगे क्या? हाँ, फिलोगमी। और उसको बच्चे को पता है, यस, आप उस बच्चे को पता है बेटा 99% उसको साले को शादी के बाद क्या मिलने वाला है, हर इंसान को गमी मिलता है। क्या मिलता है? गमी।
तो गमी गम गम। हाँ शादी के बाद बेटा जो तुम्हारी हंसी मजाक है सब खत्म है ना। नहीं मैं तो कर पा रहा हूँ है ना, अपने टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं डाला सर। अरे कोई बात नहीं है यार लक्ष्मीकांत जी, ये चीज मुझे रिकॉर्ड करनी थी। अब नोटिफिकेशन वगैरह छोड़ दो, सुबह 8 बजे आप देख लिया करो झट से आके फट से। अब यार यहीं में रह जाता हूँ मैं पूरे दिन, आप एक्चुअली मुझे कंटेंट बनाना होता, अपडेट करना होता हर रोज है ना, कुछ बढ़िया करके लाना होता। चलिए तो शादी की भी बात हो गई, अब आगे हम किस पे, फिलोडेमिक। तो डैम अगर कभी भी इंग्लिश में आ जाए तो पीपल होगा बेटा। यस फिलोडेमिक क्या होता है, पीपल, जिसको आम आदमी लोगों से प्रेम है, वही आ गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यस फिलोडेमिक सोसाइटी, जैसे अपन बोले फिलोडेमिक सोसाइटी मतलब ऐसा समाज जहां पर लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से भाईचारे से रहते हैं, उसे फिलोडेमिक कहेंगे। डैम से याद रखना है, ये डैम जो वर्ड आ जाता है ना डेमो, डेमो और डेमो का मतलब पीपल होता है। आपको याद होगा लोग रहते हैं डेमो में, डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र लोकतंत्र, ये चीजों को याद रखिएगा। अगला पॉइंट चल रहा हूं मैं, अगला वर्ड आता है फाइलमेटोलॉजी। फाइलमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ किसिंग। हाँ जी किसिंग करने के डिफरेंट कल्चर्स में, अलग अलग कल्चर्स में किस तरह से लोग किस कर सकते हैं उसकी अध्ययन क्या कहलाता है, फाइलमेटोलॉजी। यस ये चीज याद रखना है। यस यस आपको समझने हैं, उसके लिए कैसे समझेंगे आप कि बेटा एक्चुअली क्या है, कई कल्चर्स में क्या होता है यूरोप में किस करके ही नमस्ते करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ऐसे नमस्ते करते हैं वो किस करके ही नमस्ते करते हैं। आपने कई अवार्ड शोज वगैरह में ये देखा होगा जब वो नमस्ते करते हैं तो उसमें अलग अलग किस तरह की किसेस करते हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मुद्दा पेचीदा है बट यही है। मेटोलॉजी अपने आप में विज्ञान है, किसेस का अध्ययन स्टडी ऑफ किसेस होता है ना, स्टडी ऑफ किसेस ये कहलाता है क्या, मेटोलॉजी। तो ये चीज याद रखना है, फिल्म मेटोलॉजी का अर्थ रह जाता है प्रेम और किस की अलग अलग। यस 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 है ना। अगला पॉइंट है मेरे पास फिल्टर। जो फिल्टर वर्ड होता है इसमें फिल आ रहा है और टर, ये तो वर्ड है। ऐसा कोई जादुई ड्रिंक जो माना जाता है कि उसको पीने के बाद आदमी प्रेम में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा काल्पनिक कोई ऐसा काल्पनिक लिक्विड है, कोई मैजिक ड्रिंक है जो कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में है, उसे फिल्टर बोला गया है कि उसको लेने के बाद आदमी को प्रेम हो जाता है ना, कहाँ से ऐसा मिल जाए आपको। ठीक है अब अगला पॉइंट है, तुमने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ बताया गया था एक संजीवन बूटी थी जिससे हर इलाज हो जाता था, तो कुछ चीजें ऐसी लिटरेचर्स में लिखी हुई हैं, खुद ऐसे यहाँ लिखी हुई है। सो फिलमेटोलॉजी और फाइलोडेमिक और यहाँ पर फिल्टर वर्ड आगे आगे बढ़ रहा हूँ, झट से आज मुझे कराने शब्द ज्यादा है। अब क्या करना है, टाइप टू क्यों है ये, क्योंकि बेटा अब हम सफिक्स की तरह बात करेंगे, ये शब्द बाद में जोड़ेंगे बेटा, सब ये शब्द क्या करेंगे रूट वर्ड के क्या जोड़ेंगे बाद में। जी हाँ अब आप पहले जोड़ रहे थे वो प्रीफिक्स की तरह थे, अभी सफिक्स की तरह थे, सारे के सारे खत्म करो। बिब्लियो फाइल, फाइल माने प्रेम, और बिब्लियो को याद रखो बाइबल से, बाइबल से याद रखो बेटा, बाइबल क्या थी, बुक थी सर, बुक थी है ना। हाँ बाइबल क्या थी, बाइबल तो सर बुक थी, और बुक से जो प्रेम करता है, किताबों से प्रेम, एक आदमी जो प्रेम करता है इकट्ठी करता है किताबों को, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं बच्चा, बिब्लियोफाइल क्या बोलते हैं एक बार बताओ फटाफट, बिब्लियोफाइल बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार एग्जाम में आता है, बहुत सरल भी है। अगला वर्ड आता है डिमोफाइल। डिमो माने क्या बताया मैंने आपको, पीपल। यस डिमो मतलब क्या होता है, पीपल, और फाइल मतलब प्रेम, जो आम आदमी से, कॉमन मैन से जो प्यार करता है, जिसको आम आदमी से बहुत प्यार है। कभी भी याद रखना इंग्लिश में डेमो डेमो आ जाए तो उसका अर्थ पीपल मानेंगे, डेमोक्रेसी आता है ना, याद रखना। अच्छा अगला आता है नियो फाइल। नियो आ जाए तो नियो नियो याद रखना, नियो नियो जिसको नई नई चीजों से, बदलाव से प्रेम है, जिसको नई चीजों से, या फिर नई चीजों कब आएंगे बेटा, जब आप बदलाव करोगे, पुराना फोन हटाओगे नया लाओगे तभी तो आएगा। सो जिसको नियो फाइल बोलते हैं, ऐसा आदमी जो कुछ दिन चीजों को यूज करता है उसके बाद उसे नया चाहिए, उसे क्या चाहिए, नया चाहिए। यस आप समझ गए होंगे बेटा, हाँ यस उसे बोलेंगे अपन इंग्लिश में क्या, नियोफाइल। अगला वर्ड आता है मेरे पास रेट्रोफाइल। तो ये रेट्रो से बना है, रेट्रो का मतलब अपने आप में पास्ट होता है, पास्ट पुराने जमाने की चीजों से जो लगाव रखता है, जो प्रेम रखता है, जिनके पास कार पुरानी है, स्कूटर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पुराने यूज कर लेते हैं, नहीं साहब यही है, घर भी बहुत सारे लोगों के इतने सारे पुराने होते हैं बाबा आदम के, उसे रेट्रोफाइल कहते हैं, जिसको चीजें जो पास्ट से हैं उनसे प्रेम है उसे रेट्रोफाइल बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रेट्रोफाइल। जी हाँ इसके बाद मेरे पास अगला पॉइंट आता है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है मेरे पास आता है पेडोफाइल। अभी बताया था पेडो का मतलब हो गया बच्चे बेटा, और फाइल माने प्रेम।
लेकिन ये वर्ड इंग्लिश में नेगेटिव है, नेगेटिव है। ऐसा व्यक्ति जो अब्यूज करता है, अब्यूज को बेटा इंग्लिश में शोषण कहते हैं, शोषण, ये चीज याद रखना। ऐसा व्यक्ति जो शोषण करता है, राइट, बच्चों का, जो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता है, उस आदमी को पेडोफाइल बोलते हैं, है ना। नेगेटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है, खराब लोगों के लिए, जो खराब मानसिकता के लोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, याद रखना। जी हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा, समय थोड़ा सा कम है। अच्छा, आप कुछ नए वर्ड ले लेंगे। एंड्रोफाइल, एंड्रो का मतलब जो रहता है, मैंने बताया था आपको, एंड्रोज से बना है बेटा ये, है ना, किससे बना है, एंड्रोज से। तो एंड्रोज का मतलब हो गया पुरुष, है ना, पुरुष से जिसे प्रेम है, जो अट्रैक्ट होता है महिलाओं की तरफ। जी हाँ, कोई महिला या पुरुष जो अट्रैक्ट होता है पुरुष की तरफ, पुरुष पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे हम एंड्रोफाइल बोलते हैं, है ना। हाँ, जमाना खराब है भैया, देखते रहिएगा। एंड्रोफाइल का मतलब वन हु अट्रैक्ट्स टू मैन, ऐसा व्यक्ति जो इंसान की, व्यक्ति पुरुष की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, उसे हम इंग्लिश में, हाँ, यस यस, चलिए 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 आगे बढ़ रहा हूं। अगला वर्ड होता है एंग्लोफाइल। एंग्लो मतलब इंग्लैंड, यस, एंग्लो मतलब इंग्लैंड या इंग्लिश, राइट, एंग्लो इंडियन आपने पढ़ा होगा, यस। तो ऐसा आदमी जिसको इंग्लैंड या ब्रिटेन पसंद है, या उनका उनका कल्चर, उनका रहन सहन अंग्रेजी, लोगों को बहुत प्यार करते हैं, लोगों का ड्रीम होता है लंदन में जाना है, बसना है, वहीं काम करना है, वो चीज एक्चुअली इंग्लिश में कहलाती है एंग्लोफाइल। क्या कहलाती है, एंग्लोफाइल। एंग्लो से आप बहुत याद रख सकते हो, एंग्लो इंडियन, इस तरह से याद रखना है। अगला आता है लोगोफाइल। लोगों को शब्दों में प्रॉब्लम आती है भाई, लोगों को किस में प्रॉब्लम आती है, शब्दों में प्रॉब्लम आती है सर, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है। सो लोगोफाइल मतलब होगा लवर ऑफ वर्ड्स, लवर ऑफ वर्ड्स, यस, शब्दों से प्रेम है उसको, वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है शब्दों से, उसे बोलेंगे अपन इंग्लिश में लोगोफाइल। और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, सब समय कम है। अगला आता है हिपोफाइल, है ना। हाँ, तो ये वर्ड हिपो बना है हिपिक से, हिपिक माने होता है इंग्लिश में हॉर्स। जी हाँ, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें हिपिक कहते थे घोड़े को। सो घोड़ों से प्रेम, जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हिपोफाइल, हिपिक घोड़े, याद रखना उसको घोड़ों से बड़ा प्रेम है। हाँ, रणदीप हुड्डा एक एक्टर है जिनके पास बताया जाता है 10 घोड़े हैं अपने आप में। हाँ जी, हरियाणा से हैं, तो याद रखना ऐसे लोग जिनको जिनको घोड़ों से बड़ा प्रेम है उन्हें हम कहते हैं हिपोफाइल। अगला आता है कैनिनो, तो ये केनाइन से बना है। केनाइन माने होता है बेटा डॉग, जिसको कुत्तों से बड़ा प्रेम है। तो याद रखना जिसको कुत्तों से बहुत प्रेम करता है उन्हें कहते हैं केनिनोफाइल, सी याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है एलेरोफाइल। एल्यूरोफाइल का मतलब हो गया बिल्लियों से प्रेम, अल्योर से बना है, जिसको बिल्लियों से बहुत प्रेम होता है, जो बिल्ली पालता है, बिल्लियां घर में रखता है, उस आदमी को बोलते हैं अल्योर। देखे इधर, यहाँ यहाँ हॉर्स के लिए, डॉग के लिए, बिल्ली के लिए, खासकर यही आते हैं। अगला आता है नेक्रो। नेक्रो, नेक्रोफाइल का मतलब हो जाएगा बेटा डेड बॉडी से प्यार करने वाला। जी हाँ, कई लोग ऐसे साइकोलॉजिकल ढीले होते हैं उनके पेट, जिसको लाशों से प्रेम है। जी हाँ, वो लाशों को बहुत तवज्जा देता है, लाशों को बहुत प्यार करता है, उसे बोलेंगे हम इंग्लिश में नेक्रोफाइल। अगला वर्ड है बेटा, इसके बाद आप जज देखते चलिए। अगला वर्ड आता है हीलियोफाइल। हीलियो का मतलब होता है सनलाइट, हेलोस से बना है। सनलाइट का मतलब हो गया सूरज की, जिसको रोशनी, धूप से बहुत प्यार है, यस। तो कैसे याद रखेंगे, सनलाइट किससे बनती बेटा, हीलियम। आपको याद है सूरज में कौन सी गैस होती है, कि सर हीलियम होता है, तो हेलियम से याद रखेंगे। हेलियोफाइल का मतलब हो गया सूरज की धूप से बहुत प्रेम करता है। अब भाई इंडिया में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ तो प्रेम होता नहीं है, लेकिन जो यूरोप के देश है वहां पर क्या सर्दी बर्फ पड़ती है 9-9 महीने, तो वो बहुत प्यार करते हैं सूरज से, इस तरह से। जीनोफाइल, जीनो मतलब विदेशी, जीने नहीं देते हैं विदेशी बेटा, याद रखना है। जीनोफाइल का मतलब हो गया विदेशियों से प्रेम। जी हाँ, विदेशी देखा, बस पीछे पड़ जाएंगे, देखते रहेंगे, ठीक है, विदेशी विदेशी, पुरुष पुरुषों को देखते हैं, महिलाओं को आखिर देखते थे, दोनों को ही। आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद आता है सिनेफाइल। सीने, जिनके सीने खत्म, सीने मतलब सिनेमा, सीने में सिनेमा, तो सीने से मतलब हो गया सिनेमा से फाइल। अगला आता है एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान को कहते हैं बेटा, है ना, इसका मतलब होता है स्टार, नक्षत्र। तो जिस आदमी को तारों से बहुत प्यार है, जिसको तारों से बहुत प्यार है ना, कई लोग ऐसे होते हैं तारे देखते रहते हैं दूरबीन लगा के, है ना। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के पास भी ऐसे बताया जाता है, बहुत बड़ी दूरबीन थी, वो तारों को देखता रहता था, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं
एस्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं एस्ट्रोफाइल। अगला वर्ड है मेरे पास फूडोफाइल, और फूडोफाइल का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जिसको भोजन से बहुत प्रेम है। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इधर फूड और इधर फाइल। सो फूडोफाइल का मतलब हो गया लवर ऑफ फूड, जिसको भोजन से बहुत प्रेम है। अगला पॉइंट की तरफ मैं चलता रहूंगा, और इसके बाद अगला वर्ड है मेरे पास प्लोबियोफाइल। प्लोबियो बहुत अच्छा वर्ड है। प्लोबियो मतलब जिसको बारिश से प्रेम है, ऐसा आदमी जिसको रेन से बड़ा प्यार होता है, बारिश को देखते ही वो बस मजल जाता है और नहाने चला जाता है ना बारिश में, उसको होता है प्लोबियोफाइल। तो प्लोबियो को अपने आप में रूट वर्ड जो होता है, जो मीनिंग होता है, वो होता है बेटा रेन। अर्गो, अर्गो आपको याद होगा, अर्गो होता है बेटा एक्चुअली काम, है ना, मजदूर वर्ग को अपन कई जगह पढ़ते हैं, तो अर्गो का लेना देना होता है काम से। तो ऐसा व्यक्ति जिसको काम करना बहुत पसंद है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है सिवाय काम करने के, बस दिन भर काम करते रहते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्गोफाइल। क्या बोलेंगे बेटा? अर्गोफाइल। इसके बाद आता है डेंड्रो, डेंड्रोफाइल, जिसको पेड़ या जंगल पसंद है उसे कहते हैं डेंड्रोफाइल। आपको डंडों से याद रखो, डंडों को कहां से तोड़ के लाते हैं बेटा, पेड़ों से या जंगलों से। तो डेंड्रोफाइल का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा डंडे पसंद है, है ना, याद रखना, जंगल या फॉरेस्ट पसंद है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है लेमिनोफाइल, लेमिनोफाइल का मतलब होता है ऐसा आदमी। तो बेटा लेमिनो को याद कर लो, ये कम से कम 10 वर्डों में आएगा, है ना, जैसे झीलों का अध्ययन पढ़ाऊंगा मैं अभी, आगे चल के अध्ययन पढ़ाऊंगा तब। तो ऐसा आदमी जिसको झील पसंद है, झील मतलब जहां ठहरा हुआ पानी रहता है। अब जिस आदमी को झील पसंद है वो झीलों के आसपास ही रहता है, उसको कहते हैं इंग्लिश में लेमिनोफाइल। कैसे याद रखेंगे? लिम्का से याद कर लो ना, लेमिनो लिम्का, है ना, हाँ पानी है, होता है ना लिम्का में ऐसे ही। तो याद रखना लेमिनोफाइल का मतलब होगा झीलों से जो प्रेम रखता है। अगला वर्ड आता है सेलेनो, कभी भी इंग्लिश में सेलेनो आ गया तो अर्थ रहेगा उसका मून, चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसको चंद्रमा से बहुत प्यार है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलेनोफाइल। कैसे बोलेंगे? सेलेनोफाइल। और थैलसोफाइल, जो थैलस वर्ड आता है इंग्लिश में उसको कहते हैं बेटा सी, समंदर से रिलेशन है उसका। ऐसा आदमी जिसको समंदर बहुत पसंद है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं थैलसोफाइल, ठीक है, थैलसोफाइल। एक्चुअली दोबारा देखिएगा इन वर्डों को, ये वर्ड मैंने अपडेट किए हैं, नए सेट किए हैं जो पहले वाले वीडियो में नहीं थे, वापस देखिए। प्लोबियोफाइल का मतलब हो गया बारिश से प्रेमी। तो प्लोबियो, हाँ पूरी जमीन पिल गई प्लोबियो, ऐसे याद रखना है। आर्गो, आर्गोफाइल, तो आर्गो मीनिंग जो, अरे गो जाके काम करो, अरे गो घर वाले कहते हैं ना, जा यार काम धंधा देख, कोई काम धंधा देख। तो अरे गो से याद रखेंगे जिसको काम करना बहुत पसंद है, जो काम बहुत अच्छी तरह से करता है। अगला डेंड्रो से याद रखेंगे, डंडों से, डंडे कहाँ से तोड़ के ला रहे हैं, ट्रीज से या फॉरेस्ट से, तो उसको डेंड्रोफाइल बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डेंड्रोफाइल। अगला आता है लेमिनोफाइल, लेमिनो से लेमन से, है ना, हाँ गए बेटा समंदर के किनारे, आई मीन लेक के किनारे बैठे झील के, वहीं लेमन सोडा विस्की, समझ गए होंगे आप। लेमिनोफाइल का मतलब हो गया झीलों का अध्ययन, सॉरी अध्ययन तो लॉजी से होगा, झीलों का प्रेमी, जिसको झीलों से बहुत प्यार है। अगला वर्ड आता है सेलेनोफाइल, सेलेनो का मतलब हो गया जिसको मून से, चंद्रमा से बहुत ज्यादा लगाव है, चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलेनोफाइल। ये पेपरों में आते हैं बेटा, याद रखना, ये बड़ाए हैं, ये पुरानी वीडियोस में नहीं है। आप वापस चल रहा हूं, थैलसोफाइल का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जिसको समंदर से बहुत प्रेम है, ऐसा व्यक्ति जिसको समंदर से बहुत ज्यादा प्रेम है उसे हम यहां पर बोलते हैं क्या, थैलसोफाइल, याद रखना है। यस, एक्चुअली डियर स्पीड तो मुझे यूं रखनी है क्योंकि मुझे ये 40 वर्ड एक ही वीडियो में करने थे, फिर ये वीडियो रह जाते, इसलिए मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं है, जर्जर पढ़ाए, हाँ बेटा। और दूसरा वर्ड ये है कि ये रिवीजन मोड पे है, आपको मालूम ही है ना, तो इस वजह से है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको देखते रहें। हाँ यस यस, इसके बाद मैं जो कल की क्लास में इसको पूरा कराऊंगा, राइट, इससे कैसे कैसे वर्ड बनते हैं उन पे बात होगी, राइट, इसकी पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज बहुत सारे शब्दों की जो पहले नहीं किए, आप याद रखना इतना नहीं हो पाएगा, तो एक घंटे की क्लास में पूरी एक्सरसाइज करके तकाटक उसको करेंगे बेटा, है ना। यस, चलिए, तो आज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैंने अचानक कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला था, अचानक आ गया हूं, फिर भी आप लोग सभी आए, अच्छा लगा, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको द वोकैबुलरी टाइम के अगले शो में, और वो सेशन होगा मेरा कल नहीं होगा भाई, वो सेशन होगा मंडे को बेटा, कब होगा, मंडे को सुबह 8 बजे मैं मिलूंगा इसी टाइम पर।
ठीक है, मैंने तय कर दिया मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, सोमवार मंगल और बुध तीन दिन पढ़ेंगे मेरे साथ यहाँ, बृहस्पति शुक्र और शनि तीन दिन पढ़ेंगे आप ब्रज अकेडमी चैनल पर। तो आप सभी दोस्त जो नए हैं ब्रज अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां रेगुलर वीडियोस आएंगी, सेम यह रेगुलर वीडियोस दबन सिग्नेस पाएंगी, दोनों पर ही मैं काम कर रहा हूं, आप सबको मालूम है, इसलिए सभी लोग मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, पूरा फायदा उठाएं। मेरे बाद ब्रज अकेडमी चैनल पर अभी छत्रपाल सर आ रहे हैं रीजनिंग लेके, और आप सबका स्वागत है, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।